नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं आपके साथ नुपुर शर्मा। अनंत सिंह को यूं ही नहीं कहा जाता है छोटे सरकार। जी हां, मोकामा में अनंत सिंह ने अंगद की तरह अपने पैर जमा दिए हैं, जिसको उखाड़ पाना किसी भी विरोधी से संभव नहीं हो पा रहा। हालांकि लगभग दो दशकों से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अनंत सिंह को हराने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन किसी को इसमें सफलता नहीं मिली। इसी का एक नमूना फिर देखने को मिला, जिसमें नीलम देवी काफी ज्यादा उत्साहित हैं। आपको बता दें कि अनंत सिंह की पत्नी और महागठबंधन प्रत्याशी नीलम देवी ने बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को 16,488 वोटों से हरा दिया। नीलम देवी ने कहा कि हमारी जीत शुरू से ही पक्की थी, बस मतों का अंतर देखना था। उन्होंने कहा कि जनता मालिक होती है, क्योंकि अनंत सिंह हमेशा मोकामा की जनता के साथ रहे हैं, इसीलिए वहां की जनता उन्हें हर बार आशीर्वाद देती है। इस दौरान उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि यहां छोटे सरकार के टक्कर में कोई नहीं है। वैसे भी पिछले 17 सालों से अनंत सिंह लगातार मोकामा से जीतते आ रहे हैं। वहीं कोर्ट से सजा होने के बाद अनंत सिंह को विधायकी छोड़नी पड़ी, तो राजद ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को उम्मीदवार बना दिया। इनका मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी और ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी से था, लेकिन नीलम देवी ने अपने पति अनंत सिंह की जीत कायम रखी। अनंत सिंह की ताकत का एक बड़ा उदाहरण 2015 में देखने को मिला। दरअसल 2015 में नीतीश कुमार ने अनंत सिंह से दुनिया बना ली, जिसकी वजह थी आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना। लेकिन बावजूद इसके मोकामा सीट अनंत सिंह के पास ही रही। अनंत सिंह के रुतबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जेल में रहते हुए भी छोटे सरकार ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। वहीं 2020 तक हालात फिर बदले, लेकिन नहीं बदला तो अनंत सिंह का जीत का सिलसिला। इस बार अनंत सिंह आरजेडी से चुनाव लड़े और लगातार चौथी बार मोकामा में अपनी जीत दर्ज की। लेकिन अब अनंत सिंह की विधायकी खत्म हो चुकी है और वह जेल में है, फिर भी उनकी पत्नी को जीत मिली। वैसे भी इस जीत को अनंत सिंह की जीत कहा जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने मोकामा में चुनाव प्रचार नहीं किया और तेजस्वी भी अंत में प्रचार करने आए, यानी कि छोटे सरकार ने जेल में रहकर और बिना नीतीश के भी अपनी पत्नी को जिता दिया। तो यह बताने के लिए काफी है कि मोकामा पूरी तरह से अनंतमय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल रब्जी लाइव के साथ। धन्यवाद।